इंग्लैंड साउथहॉल गुरुद्वारा साहब के बाहर सड़क के कंडे कुछ बेकरे गोरे तरपाला लगा के बैठे हुए सी। जसवंत सिंह इंग्लैंड आया हले 4 महीने ही हुए सी ते साउथहॉल गुरुद्वारा साहब दे विच ओ पहली बार जा रहा सी। जसवंत सिंह ने दसिया कि मैं गुरुद्वारा साहब जाने वास्ते चल के जा रहा सी ता रास्ते दे विच मैं कई बेकरे लोकां दे कोलों भीख मंगदे देखे। बाहर विदेश दे विच भी भीख मंगदियां देख मैं बहुत हैरान होया। गुरुद्वारा साहब दर्शन किए अते मैं गुरुद्वारा साहब तो बाहर आया। मेरी नज़र एक पंजाबी दे उत्ते पई जो कि उन्हां भिखारी गोरियां दे विच इस तरह सड़क दे उत्ते पिया होया सी। उसके गल दे विच पग सी ते ओह बंदा नशे दे विच डिग्गिया होया सी। इह सब कुछ देख के मैं बहुत हैरान होया। अगले ही दिन मैं कुछ कपड़े ते कुछ खाण दीआं चीज़ां उसके कोल लै के गया। सोचा कि वह अपना पंजाबी है ते सरदार बंदा है। मैं उसके कोल गया। अज वह बिना नशे तो शांत होकर बैठा होया सी। जाके उसके कोल मैं खड़िया तो बहुत अजीब जी ते बहुत तेज़ बदबू उसके कोलों आ रही सी। मैं उत्थे उसनू समान दिता ते वापस आ गया। उसने मेरे सामने हाथ जोड़े तो मैं उसनू देख के उत्थों वापस आ गया। सो इंज मैं 5-6 दिनों तक लगातार करता रहा। गुरु घर के ग्रंथी सिंह ने मैनू इंज करता देख लिया। ग्रंथी सिंह ने मैनू कहा कि जसवंत सिंह तेनू पता है कि यह सरदार कौन है। मैं क्या नहीं, मैं तो इसके कोल खड़ भी नहीं सकता, इसके शरीर के विचों बहुत बदबू आ रही सी। ग्रंथी सिंह मुस्कुरा के कहन लगे कि बदबू उसके शरीर के विचों नहीं उसके कर्मा के विचों आ रही है। उन्हें दसिया कि यह थानेदार बसंत सिंह है जो कि किसी समय एक वधिया पुलिस अधिकारी मनिया गया सी। पर इसका कर्म सुभा कुछ भी सिख सरदारा वाला नहीं सी। अपने समय के विच इसने कोई भी माड़ा काम नहीं छड़िया। लोगों ने मजबूर करके पैसे लुटे तो जदों किसी के नाल कुटमार करनी तो जानवर की तरह मारना। इस तरह इसने अपनी काफ़ी जमीन बनाई, 3 घर लुधियाने के विच बनाए और करोड़ों का मालिक बन गया। इसका एको एक लड़का सी। समा देखते देखते उसने अपने मुंडे नूं इंग्लैंड भेज दिता ते फिर वह समा आया जदों उसके पापा का घड़ा भर गया। एक रोज़ बसंत सिंह थाने दे विच आया तो उसनूं पता लग्या कि किसी गरीब की धी दे नाल कुछ मुंडिया ने गलत काम किया है। हुण गरीब की कौन सुने। बसंत सिंह ने मुंडिया दे नाल रल के 10 लाख रुपए दे विच गल मुका दित्ती ते सारा केस ही उल्ट पा दिता। गरीब नूं इंसाफ तां की दवाउणा सी, सगों कुड़ी दे प्यो ते भरा नूं तंग करके उन्हां नूं 3 दिनों तक कुट्टिया गया ते केस बंद करन दे लई कहा गया। उन्होंने डर के केस भी वापस लै लिया। हुण तक चाहे अदालतां दा केस तां खत्म हो चुकिया सी पर उस मालक दी कचहरी तों कोई भी नहीं बचदा। बसंत सिंह दी मार दे नाल कुड़ी दा भरा 4 महीनों बाद दम तोड़ गया ते अपने मुंडे दे वियोग दे पिछे ही प्यो ते धी ने दवाई खा के अपनी जान खत्म कर ली ते फिर इह केस बसंत सिंह दे कोल आया ते इस बार भी बसंत सिंह ने इस केस दे उत्ते मिट्टी पा दित्ती। समा लंघिया ते बसंत सिंह दी घरवाली बीमार हुई। दसदे ने कि बसंत सिंह दा अपनी घरवाली दे नाल बहुत लगाव सी। उसनू अजिही बीमारी लगी कि किसी भी टैस्ट दे विच उसकी बीमारी का पता नहीं लग रहा सी ते दिन पर दिन वह मुकदी जा रही सी। हर डॉक्टर हर हॉस्पिटल छान मारिया पर उसकी पत्नी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई। उसका एको एक लड़का इंग्लैंड दे विच सी। अपने घरवाली की सेवा वास्ते बसंत ने नौकरी छड्ड दित्ती। पैसा लगता रहा, सेहत बिगड़ती रही ते उधर बसंत सिंह अपनी पत्नी नू हर रोज़ मरदा देख दिमागी तौर पर परेशान रहन लग्या। पूरे 8 साल बाद उसकी पत्नी तड़प तड़प के मरी। अपनी पत्नी का दर्द भरी आवाज़ा उसके कन्ना दे विच गूंजदियां रहिंदियां ते आखिर उसनू भी कोई दिमागी कसर हो गई। मुंडे ने बसंत सिंह नू इंग्लैंड बुला लिया ते उत्थे इंग्लैंड विच उसका दिमागी इलाज करवाया। कुछ समा ठीक रहा पर फिर बसंत यही कहिंदा रहिंदा सी कि ओह कुड़ी मैनू मार देवेगी, उसने मेरी घरवाली नू तड़फा तड़फा के मारिया है, हुण मैनू भी मार देवेगी, मेरे कोलों गलती हो गई। अजिहा पागलपन देख के मुंडे ने भी अपने प्यो नू घरों कढ दिता ते बसंत सिंह शराब पी के उत्थे सड़कां ते पिया रहिंदा अते इहो आखदा रहिंदा कि ओह लड़की मैनू मार देवेगी। सिर दे केस कतल होए ने, पिछले 5 सालों तों उसकी पग उसके गल दे विच ही पई सड़ गई। मैं सब कुछ सुन के दहल गया। परमात्मा का इंसाफ किहो जिहा है आपां अंदाजा तक नहीं लगा सकते। अते ओह कुड़ी कौन है जिसने बसंत सिंह की यह हालत बना दिती अते उसकी पत्नी नू मार दिता। असल दे विच ओह कुड़ी कौन है वह तो बसंत सिंह ही जानता है जां फिर परमात्मा, पर उस परमात्मा की लाठी दे विच आवाज़ नहीं हुंदी। कि तुसी जानते हो कि वह लड़की कौन है ते उस लड़की ने बसंत सिंह की पत्नी ते बसंत सिंह की अजिही हालत क्यों की। जेकर तुहानू पता है तो कमेंट बॉक्स के विच जरूर लिखना।